गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 एक्सपोनेंट एंड पावर के मैंने आपको कल लॉज बताए थे एक्सपोनेंट एंड पावर के। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिया है, 2 raised to the power 2 एंड अगेन पावर है 100। जब पावर के ऊपर अगेन पावर होती है, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, पावर के ऊपर अगेन पावर होती है, तो हमारी पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power 200। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जब पावर के ऊपर अगेन पावर होती है। जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट, -7 raised to the power 6 और अगेन raised to the power 5 है, तो पावर के ऊपर टेकिंग पावर एज ए अगेन पावर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पावर को पावर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज़ इक्वल टू -7 raised to the power 30। और ऐसे ही हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, सिंप्लीफाई एंड राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, a raised to the power 3 into a raised to the power 5 upon a raised to the power 3 और अगेन पावर है 2। यहाँ पर पावर के ऊपर अगेन पावर है, और जब हम बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारी पावर क्या हो जाती है, एडिट। मैंने फर्स्ट लॉ बताया था, और ये पावर के ऊपर अगेन पावर है, तो ये 3 2 जा, ये क्या हो जाएगा, 6। तो ये हमारा आ गया 3 + 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, 8, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 6। अब ये बेस फिर से सेम है, और ये a raised to the power 8 divided by a raised to the power 6 है, तो बेस सेम है, तो बेस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 8 में से 6 चला गया 2। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का सेकंड पार्ट, 2 raised to the power 3 और अगेन पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 5। ये पावर के ऊपर अगेन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड का साइन है, तो ये हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पहले, या हम डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 5 ऊपर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 में से 5 चला गया, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7। 12 में से 5 चला गया 7, 2 raised to the power 7। और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, जब हमें पावर सेम दे रखी हो, मैंने कल लॉ बताए थे सारे, जब पावर सेम दे रखी हो तो बेस आर मल्टीप्लाइड। तो यहाँ बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पावर सेम रही, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40 raised to the power 4। और इसका थर्ड पार्ट ले रही हूँ मैं, 3 upon 10 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 upon 15 raised to the power 5। पावर सेम है हमारी इस क्वेश्चन में भी, तो बेस हमारे डिफरेंट है, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 upon 10 multiply 2 upon 15, और पावर हमारी सेम रहेगी, और इनमें से जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 1 upon 5 5 जा 25, और इस पूरे का पावर क्या है, 5। तो ये हमारा क्या आ गया,
आंसर आ गया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने फिफ्थ तक क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 4.2 के कंप्लीट करने हैं।